राहुल गांधी जी ने वो इंटरनेशनली हमारे को डिफेम कर रहा है। नहीं मोदी जी, क्यों सर मोदी जी? क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने बहुत तरक्की की है और जैसे G20 आदियों में जो है, जी जी बिल्कुल, ये तो मतलब कि G20 में भारत अभी शामिल थोड़ी हुआ है, ये तो कांग्रेस के टाइम में ही शामिल हुई थी, पीएम मोदी के कारण नहीं हुआ है। हाँ, मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत, मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत। देखो जो अपने लिए सब है ना, सब जंग लड़ो, लेकिन जीत मोदी की होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मोदी ने देश को स्ट्रॉन्ग किया है। कैसे? देखो पहले अपने इंडिया को पिछले देशों में आता था, अब इंडिया अगर कहीं भी जाते तो इंडिया का नाम आता है। किस बात की चिड़ है आपको मोदी जी से? आपने सिसोदिया जी को अंदर करा दिया, इसलिए मोदी से चिड़ है? मोदी जी और योगी जी ने पूरे देश को ही अपना परिवार माना है, उन्होंने कभी व्यक्तिगत अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, हमेशा के लिए उनका देश ही उनके लिए जीवन है। कोई क्या करा दिया, स्कूल वही है, पुराने स्कूल है, रंग रोगन कर दिया, अच्छे स्कूल बना दिया, अच्छे क्या बना दिया, 7-8 साल में कोई IPS ऑफिसर बना दिए, कोई कहीं तुम्हें अच्छा IT में भेजे, इंजीनियर बना दिए, बताइए ने क्या किया? क्या बोलते बदलाव? अरे एक तरफ भारत जोर और एक तरफ भारत को ही बदनाम कर रहे हैं विदेश में जाके, उनको बोलने का ढंग नहीं है। कैसे बोले? जहाँ जाते हैं वहाँ सिर्फ लड़ाई का मुद्दा उठाते हैं, युवा में लड़ाई करवाते हैं, कॉलेज में जाके उनको बोलने की माइक नहीं दिया जाता, इसलिए ही नहीं। केजरीवाल जी को तो ऐसे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, अगर ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो कम से कम समझना चाहिए। प्रधानमंत्री जी PM है, PM की आप कर रहे हो मतलब आलोचना ठीक नहीं है, ऐसे अनपढ़ नहीं है। मोदी जी जो कर रहे हो विकास का कार्य अच्छा कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा कर रहे, पूरी दुनिया में डंका बजा रहे हैं, और आप अनपढ़ ऐसे बातें कर रहे हो, तो आपको मोदी जी का पर्सनल कोई दुश्मनी है, कोई वैसे वो है मतलब, तो आप बताइए ना आप किस बात की चिड़ है आपको मोदी जी से? आपने सिसोदिया जी को अंदर करा दिया, इसलिए मोदी से चिड़ है? बोलते हैं कि पहले क्यों होना चाहिए, तो शिक्षा मंत्री को जेल में डाल देते हैं। शिक्षा मंत्री नहीं ना, शराब मंत्री बोले ना आप शराब के बाद शिक्षा पे ला जाते हो। आपने 18 विभाग दिए, आप उनको शराब मंत्री बोले ना, आप शिक्षा मंत्री क्यों बोल रहे? वो तो क्रांति छेड़ रखा था दिल्ली। हाँ, कोई क्या करा दिया, स्कूल वही है, पुराने स्कूल है, रंग रोगन कर दिया, अच्छे स्कूल बना दिया, अच्छे क्या बना दिया, 7-8 साल में कोई IPS ऑफिसर बना दिए, कोई कहीं तुम्हें अच्छा IT में भेजे, इंजीनियर बना दिए, बताइए क्या किया? ये नहीं बताते हो, कहाँ बताए? कोई बिजनेस बना दिया, कोई क्या बना दिया, मतलब स्कूल में अच्छा क्या कर दिया बताए ना, खाली पढ़ाई थे, पहले भी होती थी, वही कांग्रेस टाइम में भी स्कूल थे, BJP टाइम में स्कूल वही थे, सरकारी तभी लोग पढ़ते थे बच्चे, आज भी बच्चे प्राइवेट पढ़ते तभी पढ़ते थे, उसमें क्या हुआ? प्राइवेट स्कूल कोई बंद तो है नहीं, कि आपने बहुत अच्छा करा, सब लोग सरकारी तरफ भाग रहे होंगे, ऐसे तो हुआ नहीं है। तो कोई आरोप सही है जो सिसोदिया जेल में गए हो कि वो गलत हुआ? सिसोदिया तो जेल में जाना, देखो जी उन्होंने जैसा काम किया, दारू घोटाले एक पे फ्री दे रहे थे, ये तो हमें खुद गलत लगा था, फ्री वाला कहाँ से आ रहे बताओ? केजरीवाल जी फ्री करते कुछ है नहीं। अच्छा भाई, इन्होंने न पानी का कुछ किया, न पानी यहाँ से आ रहा है, तो हरियाणा से पानी आ रहा है, सेंटर से बिजली ले रहे, केजरीवाल जी बांटने को आ रहे, फ्री हो रहा है, तो करे ना कुछ। बिजली के लिए आपने क्या योजना पड़ी, पानी के लिए आपने इतना गंदा पानी देते हो, यमुना सफाई आप हो नहीं पा रही है, आप खाली मतलब जो पुराने ढांचे उसी को मतलब 2-4 कमरे बना दिए, आपने अच्छा स्कूल बना दिए, अच्छा शिक्षक वही है, क्या नया क्या करिए बताइए ना। लेकिन PM के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उनको, 24 का चुनाव भी है और बोल रहे हैं कि हम पक्ष हम चुनाव लड़ेंगे, मतलब अब जिस हिसाब का उनका मतलब वो पढ़े लिखे आदमी है, उस हिसाब से तो उनको ऐसा बयान देना नहीं चाहिए, वो बौखला गए हैं। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जो जेल चले गए इस वजह से वो बौखला गए हैं। 24 में चुनाव है, किसे देखना चाहते हैं PM? PM तो प्रधानमंत्री मोदी ही आएंगे। राहुल गांधी ने कुछ पसंद नहीं? राहुल गांधी यात्रा करके आए वापस? राहुल गांधी मतलब कि विपक्ष के लिए ठीक है, ऐसे मतलब कि अभी राहुल गांधी को थोड़ा और काम करना है, ऐसे मतलब हमारी तरफ से अगर हमसे पूछेगा तो हम बताएंगे, हमारा ओपिनियन है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही आएंगे। अच्छा। ठीक है, लेकिन बाकी जो बात रह गया कि सवाल पूछने का, ठीक है, जो सवाल पूछने का तो हक सबको है, ठीक है, और देश का PM पढ़ा लिखा होना चाहिए। बिल्कुल गलत है, नहीं बोलना चाहिए था केजरीवाल को। 24 का चुनाव है देश में, एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ PM मोदी। क्यों PM मोदी? क्योंकि ये सब चीज चलाते हैं, अच्छा तरीके से चलाते हैं, ढंग से चलाते हैं, राहुल को ज्ञान नहीं है इस चीज में। क्या पसंद है राहुल गांधी यात्रा करके आए, बोलते बदलाव? अरे एक तरफ भारत जोर और एक तरफ भारत को ही बदनाम कर रहे हैं विदेश में जाके,
ये भी कैमरे ने कुछ खतरे में भारत में, तो वही बात है, वहाँ जाके बदनाम करेंगे, घर में लड़ाई होगा, यहाँ का चीज वहाँ जाके बोलेंगे, तो ये तो गलत बात है। किसना घर में लड़ाई होता, क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? बोला वो आईटी का चाहिए पीएम, नहीं तो वो आईटी का है ना, पीएम कौन पर बोल सकते हैं सर? कोई नहीं बोल सकते ना, तो गलत बोला है सही, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बोले तो गलत बात ही, गलत ही रहता ना, नहीं मोदी जी। क्यों सर पीएम मोदी जी? क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने बहुत तरक्की की है, और जैसे G20 आदियों में जो है, जी जी बिल्कुल, तो इसलिए भारत ही ऊंचा उठा है और भारत ही उठेगा। जो अभी मतलब कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को अगर मतलब G20 का अध्यक्षता मिला है, तो बस ये कोइंसिडेंस है कि मतलब कि अभी वो उनके कार्यकाल में उनको मतलब कि G20 का अध्यक्षता मिला है, ये तो मतलब कि G20 में भारत अभी शामिल थोड़ी हुआ है, ये तो कांग्रेस के टाइम में ही शामिल हुई थी, पीएम मोदी के कारण नहीं हुआ है। हाँ मतलब सर मैं तीन काम पूछूं आपसे पीएम मोदी जी का, क्या बताना? बिल्कुल बताइए सर, पूछिए। तीन काम बताइए कि जो आपको पसंद है 9 सालों में जो काम हुआ देश में। सशक्त भारत बना है, जो दूसरे देशों में हमारी पैठ बनी है वो एक अग्रणी भारत में आई है। हाँ। और दूसरा मेक इन इंडिया में सशक्त भारत उसमें भी बना है, और तीसरा सर योजना हो गया, जी जी बहुत सारी योजनाएं हैं जो भारत में, और इतने सारे सड़कों का निर्माण हुआ है जो कांग्रेस के जमाने में नहीं हुआ था, वो अभी हुआ है। राहुल गांधी सर क्यों नहीं पसंद आते जनता को? राहुल गांधी विपक्ष लायक ठीक है, वो सही बोलते हैं विपक्ष लायक नहीं, अभी अभी इनको 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा। क्या करना चाहिए उनको 10 सालों में? देखो एक तो मतलब थोड़ा आपको जो बोलते हैं वो लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो लास्ट में फिर बोल ऐसे जाते हैं कि उन लोग पब्लिक में दूर हो जाती है, कुछ उल्टा बोल जाते हैं ना, ये इनको बचना चाहिए पक्ष और विपक्ष दोनों से, कि जो अगर दोनों मतलब की पार्टी अभी 10 दिन से लगभग मतलब 9 या 10 दिन से हमारी सदन चल रही है, लेकिन मुश्किल से 1 घंटा भी सदन नहीं चल रही है, ठप हो जा रहा है लगभग, मतलब कि अपना जो लोकसभा है उसको चलने के लिए लगभग 1.5 करोड़, 1 घंटा चलने के लिए 1.5 करोड़ रुपए खर्चा होता है, ठीक है, और राज्यसभा चलने के लिए 1.2 करोड़ खर्चा होता है, और ये जनता का पैसा है, हमारा पैसा है, आप सबका पैसा है, तो इस चीज पे मतलब कि उनको ध्यान देना चाहिए, कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए ना, वही कांग्रेस रोक रही है ऐसा नहीं है, मतलब कि कांग्रेस भी रोक रही है और बीजेपी भी रोक रही है, ऐसा नहीं है कि अगर हम मान लेते हम बीजेपी का सपोर्टर है, लेकिन प्रदर्शन कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं और बीजेपी भी कर रही है, बीजेपी कह रही है कि जो राहुल गांधी माफी मांगे, ठीक है, और कांग्रेस है जो वो अडानी के मुद्दे पे अटकी हुई है। सही लग रहा है कैम्ब्रिज में जो बोला है देश के बारे में? नहीं अच्छा, देखिए वो बात अलग बात है, ठीक है, लेकिन जहाँ वो बात अलग है, लेकिन जहाँ मतलब कि हम अभी लगभग 37 बिल अटके हुए हैं, वो हमारे और आपके हित के बिल अटके हुए हैं, अभी ये आपके लोकसभा में अटके हुए हैं लगभग 37 से 38 बिल अटके पड़े हैं, ठीक है, उसमें हमारा और आपका हित है। उनको बोलने का ढंग नहीं है, कैसे बोले? जहाँ जाते हैं वहाँ सिर्फ लड़ाई का मुद्दा उठाते हैं, युवा में लड़ाई करवाते हैं, कॉलेज में जाके उनको बोलने की माइक नहीं दिया जाता, इसलिए उनको बोलने का तजुर्बा नहीं है। लोकतंत्र खतरे में, सच में खतरे में है लोकतंत्र भारत में? नहीं खतरे में तो नहीं आता, ये राहुल गांधी जी ने वो इंटरनेशनली हमारे को टीफेम कर रहा है। हाँ। इधर बात करने का बात आप पूरा उधर इंटरनेशनल पे जाके हमारे इंडिया को टीफेम कर रहा है, और एक वाले तो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल में ये यूएस प्रेसिडेंट और इन लोग बोल रहे हैं कि मोदी चाहे तो अगर यूक्रेन का वार रोक सकते, इतना फेमस हो गया हमारा मोदी जी का, इसलिए उन रहे तो सिक्योर भी है और कंट्री भी सिक्योर ही है। बदनाम कर रहे देश को, हाँ सही बात है, कौन अच्छा एजुकेटेड है वैसा नहीं बोलना है, इंटरनेशनल जाके माफी मांगना ही पड़ेगा उनको, किसी भी हालत में पैर पे गिर के माफी मांगे, आके लोकसभा में माफी मांगे, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए, नहीं मांगेंगे तो गलत बात है। सर वो तो बोलते हैं यात्रा करके आए हैं, काफी बदलाव, एक चीज बताइए, एक तरफ भारत जोड़ और एक तरफ भारत तोड़, ये कहाँ का नीति है? जो भी करें बीजेपी की तो अच्छी है, कोई नहीं पसंद है बहुत ज्यादा, 2400 जीत पाएंगे चुनाव? बिल्कुल जीतेंगे, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, देखो जो अपने लिए सब है ना, सब जंग लड़ो, लेकिन जीत मोदी की होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मोदी ने देश को स्ट्रॉन्ग किया है। कैसे? देखो पहले अपने इंडिया को पिछले देशों में आता था, अब इंडिया अगर कहीं भी जाते तो इंडिया का नाम आता है हर देश में, हर देश में नाम आता है। क्या कर रहे हैं देश के लिए, क्यों नहीं पसंद करते जनता उनको? देखो हम ये नहीं कहते कि उनको
पसंद नहीं करते वे भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो सच है वो तो सच है ही, सबको पता है। चुनाव जीतेंगे, हम बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल। मेरा नाम राम प्रजापति है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ जी। अभी अरविंद केजरीवाल जी जैसे अभी भोपाल गए थे, उन्होंने कही वहाँ भी देखो एकदम मौसम ही वो क्या बोल सकते हैं व्यक्ति है ये, जहाँ मौसम आते वहाँ चले जाते हैं। गुजरात चुनाव है, गुजरात गए थे, अब गुजरात उनको पता ही नहीं है कब जाएंगे गुजरात, ऐसे भोपाल चुनाव आया मध्य प्रदेश वहाँ पहुँच गए। ठीक है, मोदी जी को उन्होंने अनपढ़ कहा है, देखो अनपढ़ हमारे देश के लिए क्या जरूरी है, हमारे देश के लिए जो देश के लिए जिए देश के लिए काम करे वो जरूरी है। आप ठीक है, आप कितने पढ़े हैं, आप 12वीं पास है, आपने ग्रेजुएशन की है, आपने क्या किया है, ये आपको मतलब मायने नहीं रखता, मायने ये रखता आप देश के लिए क्या काम कर रहे हैं। और आपको एक बात बता दूं, आज भारत वर्ष में बल्कि दुनिया में दो फकीरों का नाम हो रहा है। कौन कौन से? एक फकीर है मोदी जी है ना, और दूसरे फकीर है योगी जी। अच्छा। तो उन दोनों के लिए मैं ये दो कुछ एक कविताओं की मैं लाइन आपको बोलना चाह रहा हूँ। मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है, अब कही धुन जय जय भारत। मन मस्त फकीरी धारी है, अब कही धुन जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत। मन मस्त फकीरी धारी है, अब कही धुन जय जय भारत। दो लाइन और है सर। सुंदर सपने नव आकर्षण, सुंदर सपने नव आकर्षण, सब तोड़ चले मुख मोड़ चले, सब तोड़ चले मुख मोड़ चले, वैभव मेलों का क्या करना, सोते सुख से आकाश तले, साधन की ओर न ताकेंगे, साधन की ओर न ताकेंगे, कांटों की राह हमारी है। मन मस्त फकीरी धारी है, अबे कही धुन जय जय भारत, अबे कही धुन जय जय भारत। और साथ उनका हमेशा देश के लिए ये भाव रहता है, मातृ मंदिर का समर्पित दीप में, चाह मेरी यह कि मैं जलता रहूं, जलता रहूं, मातृ मंदिर का समर्पित दीप में। मोदी जी और योगी जी ने पूरे देश को ही अपना परिवार माना है, उन्होंने कभी व्यक्तिगत अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, हमेशा के लिए उनका देश ही उनके लिए जीवन है, देश के लिए अंतिम सांस तक काम करना चाह रहे हैं।